इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहुंचे ने, थोड़ा सब का बहुत बहुत धन्यवाद। अज तुहाडे राही एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय नूं असीं पंजाब दे और भारत के लोगों तक पहुँचाना जा रहे हैं, जिहड़ा कि पिछले दिन तुसीं देखिया कि किवें कांग्रेस पार्टी ने पंजाब दे विच धर्म के नाँ के उपर, जात के नाँ के उपर एक घटिया राजनीति करन की कोशिश की है। जिहड़ी कांग्रेस पार्टी अज तक अपने आप के उपर धर्म निरपक्ष होने का ठप्पा ला के, झूठा ठप्पा ला के, सैकुलरिज्म का झूठा ठप्पा ला के अज तक सारे भारतीयों नूं बेवकूफ बनाने का ड्रामा कर रही सी, उस कांग्रेस पार्टी की पोल उहदे अपने ही आगूआं ने खोल दित्ती। और ये बड़ी बड़ी शर्मनाक जिहड़ा बतारा वह वापरिया कि कांग्रेस पार्टी के लीडर ने पंजाब दे विच ऐसा गंदा धर्म का खेल खेलने की कोशिश की है कि उन्होंने ये बयानबाजी करके कि पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी दे राही कि पंजाब दे विच कदे हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। इस तरीके जो उन्होंने पांच साल दे विच कपड़ेबाजी माफियाबाजी की सी उन्हें छुपाने के लिए कि धर्म के नाँ का एक गंदा खेल खेलने की कोशिश पंजाब की गई, पंजाब नूं धर्म के नाँ पर जात के नाँ पर वंडन की कोशिश की गई। जबकि जब पंजाब की गल हुंदी है, पंजाब गुरुआं पीरां की धरती है, जब पंजाब की गल हुंदी है तो मानस की जात सब एक पहचान वो एक ओंकार की गल हुंदी है। पंजाब दे विच कदे किसी नाल वितकरा नहीं हुंदा, कदे हिंदू सिख मुस्लिम का वितकरा नहीं हुंदा, कदे किसी जात पात का वितकरा नहीं हुंदा। पर अज कांग्रेस पार्टी वर्गियां, कांग्रेस पार्टी के लीडर वर्गियां ऐसियां ताकतां वो पंजाब दे विच अज भी मौजूद ने जिहड़ियां पंजाब नूं धर्म के नाँ ते वंडना चाहुंदियां ने, कुछ ही सियासत करके पंजाब नूं धर्म के नाँ ते वंडना चाहुंदियां ने, वोटां की खातर सत्ता की खातर। उन्हां नूं कोई परवाह नहीं है कि पंजाब दे विच चाहे कोई जिन्नियां मर्जी अणसुखावियां घटनावां वापर जाण, पर उन्हां दा इक्को एक एजेंडा है कि पांच साल जी जिस से सत्ता मिलती है तो वो अपनी माफियाबाजी करो, नोट कट्ठे करो, मुड़ के दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए धर्म का जात का गंदा खेल खेलो। ये कांग्रेस के पिछले दिनों के होया और एक स्पैसीफिक तबके रियलाइज़ कराने की कोशिश की गई, जबकि पंजाब ऐसा कुछ नहीं है। असी लोगों रेंदे हैं, इलैक्शन भी लड़िया, पहला आप भी वोटा पाते रहे हैं, वोटा मंगते भी रहे हैं, सानू कदे देखने नहीं मिलिया कि कदे जात दे धर्म दे नाँ ते पंजाबियों ने वोट सानू किसी भी आगू नू किसी भी पार्टी नू वोट पाउण दे लई मना कीता होवे, जात और धर्म दे नाँ ते एजेंडा होवे वोट पाउण दे लई। पर यह एजेंडा खेलण दी खेल खेलण दी कोशिश कौन करदियां ने? कांग्रेस वर्गियां पार्टियां, क्योंकि और यह खेल इस हद तक चलिया कि एक लीडर नू सुनील जाखड़ नू रिजाइन करन तक, सुनील जाखड़ जी जिहड़े कि बड़े सन्मानित लीडर ने उन्हां नू रिजाइन करन तक जाना पिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यह गंदा खेल खेलण दे लई इत्थों तक एक ठप्पा लाता कि एक स्पैसीफिक तबके तों हिंदू कम्यूनिटी दे विचों कि इत्थे पंजाब सीएम नहीं बन सकता। जबकि पंजाब दे लोकां च ऐसा कुछ नहीं है, पंजाब एक बहुत वड्डी एग्जाम्पल है पूरी दुनिया दे विच, हिंदू सिख मुस्लिम एकता की सब धर्मां की एकता की पंजाब पूरी दुनिया के गुरुआं की धरती होण करके बहुत वड्डी उदाहरण है। पंजाब दे विचों जात धर्म के नाँ पर वंड की बो कदे नहीं आती, पर अज तुहाडे राही असीं पंजाब दे लोकां नूं इह जागरूक करना चाहते हैं, इह सतर्क करना चाहते हैं कि कांग्रेस के लीडर और कांग्रेस पार्टी वर्गियां ताकतां अज भी साडे सूबे दे विच जात दे नाँ ते धर्म दे नाँ ते लोगों को बंडना चाहदियां ने, अपने हितों के लिए बंडना चाहदियां ने। उहदे लई पंजाब दे लोगों नू सतर्क रहन की लोड़ है, जिथे अज तुहाडा बहुत ही मैं धन्यवाद करदा कि बहुत जिम्मेवार मीडिया चंडीगढ़ का, असी बड़े सही तरीके दे नाल सही शब्दों के नाल अपने पंजाबियों नू इस गल दे लई जागरूक करांगे, इस गल लई सतर्क करांगे कि इस एजेंडे नू पंजाब दे विच कामयाब ना हो दिता जाए। जिवें पंजाब दे विच सारियां धर्मां जातां दे लोग मिल के रह रहे हैं, अगे भी इवें मिल के रहन, सिर्फ किसी की वोटां की राजनीति करके असी अपने पंजाब दे विच अजिही वंड नू होण नहीं देवांगे। पीसी करन दी लोड़ इस करके पैंदी है जी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जदों भी ये जिहड़ी गंदी राजनीति है ना धर्म के नाते बनने की राजनीति, जदों इहदे बीज बोए जांदे है वह उत्थे खत्म नहीं हो जांदे, वह बड़ी देर तक चलते हैं। अज जे एक लीडर नूं कांग्रेस पार्टी ने यह गल कही है, कल उन्होंने रिजाइन किया, ये गल हुण गल अगे भी डिस्कस हो रही है,
जो रिजाइन हुआ उदो भी हुई है और अगे भी होंगी रहेगी। और वड्डी गल है कि जिहड़ी पार्टी दे विच बतारा वापर वो अज तक अपनी अपनी हट्टी के बाहर धर्म निरपक्ष का बैनर ला के धर्म निरपक्ष का ठप्पा ला के भारत च राजनीति करती रही है। वो पोल खुलना जरूरी है, जो वो पोल ना खुले तो यह जड़िया वंडन वाली ताकत है लोग इन्हों धर्म निरपक्ष समझ के कि बाहर बोर्ड लाया धर्म निरपक्षता का इन्हों धर्म निरपक्ष समझते रहेंगे पर अपन शासन रचते रहेंगे। इसलिए लोगों को जागरूक करने की मेरी सारी गलबात मेरी सारी गलबात एक शब्द दस दौ कि जिद प्यार झलकता होगा जो मकसद है वो पंजाब की जो जो साढ़े पंजाब की बेसिक चीज़ है धर्म निरपक्षता सारे धर्मों का सत्कार कायम रखना अज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है किसी लीडर की सिफत करना मकसद नहीं। नहीं देखो एक सुनील जाखड़ जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय नहीं है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय पंजाब है, पंजाब की एकता है, पंजाब की धर्म निरपक्षता है, पंजाब के सारिया जातों का धर्मों का प्यार है। और सिर्फ किसी ने यह गल कह देनी कि जी इतने हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, इस तो ज्यादा घटिया गल की हो सकती है। ये साडा मकसद वो है सुनील जाखड़ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद पाबंदी किसी दी नहीं लगी, जे कदे लगी दस दो। जिवें कांग्रेस ने धर्म के नाम से पाबंदी लाने की कोशिश की है, आम आदमी पार्टी के धर्म के नाते पाबंदी कोई नहीं लगी। लीडर पार्टियां छड़ते रहेंगे है, कई बार जो बखरेवे है वो होंगे रहेंगे, बयानबाजी भी चलती रहती, पर अज तक पाबंदी जे लाई है तो कांग्रेस पार्टी ने लाई है। जदों मीडिया वालों पूछा जाता कि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होएगा तो इन्हां चोणां दे विच जिन्हों असी पंजाब का मुख्यमंत्री डिकलेयर करना सीगा वो केजरीवाल साहब का दसना जिम्मेवारी सी, ड्यूटी सीगी कि साडा जिहड़ा चेहरा वो कौन होण जा रहा केजरी। हाँ बिल्कुल पहलां दी गल है ना, पहलां दी गल है। और पर केजरीवाल साहब ने ज आम आदमी पार्टी ने कदे भी धर्म के आधार पर किसी एक धर्म के जात पर अज तक पाबंदी नहीं लाई कि आ जिहड़ा जात धर्म का बंदा वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता जां राजनीति नहीं कर सकता। भावनावां ने कि इदां कहना चाहिए चंगी गल है, जिहड़ी तुहाडी भावना ना मैं उही गल कहनी चाह रहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी ने कदे इस चीज़ नूं नैगेटिवली नहीं कहा कि इन्हां दी इन्हां दा मैं जवाब दे देण दिओ कि उन्होंने कदे नैगेटिवली नहीं कहा कि फलाने धर्म का बंदा जिहड़ा जां फलानी जात का बंदा वो साडी पार्टी कन्नी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ये जिवें हुण तुसीं इस चीज़ नूं लैके सतर्क हो रहे हैं, इत्थे हर पंजाबी सतर्क है। चलो तुसीं वाकया नूं कर लैण दिओ यार, वह विषय ही नहीं है जी। सब तो पहला अज साडी जिहड़ी प्रायोरिटी है ना, साडी प्रायोरिटी पंजाब नूं बचाउणा है, पंजाब दी यूनिटी नूं बचाउणा है, पंजाब दी एकता अखंडता नूं, इस मुल्क दी एकता अखंडता नूं बचाउणा है इहो जिहा घटिया राजनीति करन वालीआं ताकतां दे कोलों। नाले असीं मैं दिनेश जी दी गल तुहाडे खत्म तां ही होणे सवाल, दिनेश जी दी जिहड़ी गल नूं मैं अग्गे वधाउणा, जिस तरीके नाल बीजेपी और कांग्रेस ने डिवाइड करन दी समाज नूं राजनीति करदी आ, जाखड़ साहब ने कल उस ते मोहर लाई है, ते एज ए जिम्मेवार राजनीतिक दल दे नाते साडा फर्ज बणदा। और जिहड़ी असीं पहलां इहनां ते एलीगेशन लाउंदे सी बीजेपी ते भी लाउंदे आ, कांग्रेस यही काम करदी आ, ते जाखड़ साहब उहनां दे साबका प्रधान सी और उन्होंने अपना दुख रोया कल, उन्होंने उस चीज़ ते मोहर लाई है, इस करके ये कन्फर्म हो गया। नहीं असी कदों क्या खजाना खाली कि ने देखो नहीं नहीं कलतार सुंदवा जी का मैं बयान सुनिया, मतलब ये थोड़ी आ भी तुसी अपने तरीके ना इंटरप्रटेशन कर लो तो असी भी उन्हों। संधवा साहब की इंटेंशन बिल्कुल स्पष्ट सी, उन्होंने कहा जिहड़ा दरबार साहब के बाहर का बयान है भी आर्थिक जिस तरीके हालात सुधरनगे असी एक एक करके सारे जिहड़े साडियां कमिटमेंट करांगे, 1 जुलाई तो बिजली वाला कर रहे हैं, उन्होंने एवं खजाना खाली जी फलाना खाली, खजाने वाली खाली वाली कोई गल नहीं। हाँ
पिछले साल पंजाब की आर्थिक हालात लुट खसुट करके कमजोर हुई आ। जिहड़ी इनकम पंजाब के खजाने आनी चाहिए सी वह कुछ प्राइवेट हाथों च गई आ, प्राइवेट घर च गई आ, उहदे च कोई दोरा ही नहीं है। चाहे माइनिंग की गल कर लो, फिर लंबा विषय हो जाना, चाहे एक्साइज की गल कर लो। ईवन कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड एक गल कही आ भी जिहड़ी एक्साइज पॉलिसी है नुकसान सरकार नूं पंजाब नूं हो रहा, मनप्रीत बादल ने ऑन रिकॉर्ड गल कही है प्राइवेट फैसल। सो कहण तो भाव यह आ भी जिहड़ी लुट खसुट वह बंद भी हुई आ, आने वाले टाइम च आर्थिक तौर पर पंजाब स्टेबल भी होगा और सारिया जिहड़ियां जो गरंटियां हटियां लागू होगी। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਐਮ ਐਲ ਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਵਾਉਣ ਨਾ ਆਇਓ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਡੇਅਰਿੰਗ ਸਟੈਪ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? इस तरह है मर्यादा होनी चाहिए, कोई दो राय नहीं, और साढ़े माणयोग धालीवाल साहब भी बड़ी हमेशा मर्यादा ही रह के गल करने वाले बंदे। कई बार मैं नहीं सुनी तुसी केड़े हवाला दे रहे हो, लेकिन एक गल बड़ी स्पष्ट है, खहरा साहब सवेरे उठ के फलाना जी ढकाना, कई बार उन्होंने झूठियां खबरें अपने ट्विटर हैंडल से पाई, क्यों नहीं खहरा साहब डट के आके कहिंदे भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गलत जमीन ते फार्म हाउस बनाया या कांग्रेस के फलाने लीडर ने बनाया? कह ना दसन आके आ जमीन जी सरकारी जमीन दबाई हुई है ना, पंजाब सरकार एक्शन लवे, लेकिन पंजाब सरकार तो अपनी जिम्मेवारी निभा रही है। तो खहरा साहब होए या बाकी लीडर रह गए इन्हों के, वो सिर्फ सिर्फ खबरों की हेडलाइन वास्ते गल करते हैं, ऑथेंटिसिटी वो कोई नहीं। एक गल सुन लो, एक गल सुन, मेरी बेनती, मेरी बेनती सुनो, आप एडा पॉजिटिव काम हो रहा, कभी सोचा सी कि पंजाब च पंचायती और सरकारी जमीन छड़ाइया भी जाएगी? ब्योतबंदियां बन दया गई पिछलिया सरकार, ब्योतबंदियां सरकार आ जाइए तो फलाना फेवर लवेंगे, सरकार का इस्तेमाल करा, फलाना सरकारी जो सरमाया लुटा, ये होंगे रहा ना, फस्ट टाइम हो रहा। और विद इन 15 डेज ही जो धालीवाल साहब ने आंकड़ा रखे हजार एकड़ तो वह बख्शिया कोई नहीं जाऊगा, ये जड़े जड़े बने फिरते ना वे मगरमच्छ हाथ इन्होंने, थोड़ा जहा टाइम वारी 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 जांच होगी वो भी, जी कोई भी उत्थे इलीगल ऑक्यूपाइड की होगी जमीन और जेडे दोष तो लग रहे सरकार और भी कर, कोई भी काम जेड़ा इलीगल किया पिछली सरकार ने या साडा कोई बंदा करूगा बख्शिया नहीं जाऊ। बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब और पंजाबियत की परछाई अब देखें एबीपी सांझा, टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर एबीपी सांझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी सांझा, जोश जज्बा जुनून।